स्टूडेंट दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम महाराजा अगर सिंह स्कूल हिसार टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नरेशन दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक नरेशन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आई विल गिव यू होमवर्क नरेशन के पिछले, पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी कि किस प्रकार से रिपोर्टेड वर्ब में प्रजेंट या फ्यूचर होता है या रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल हैबिट ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तो किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता लेकिन अगर ये बातें नहीं होती तो टेंस किस प्रकार से बदलता है आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है जो बी वन बी वन एस प्लस या एस और डूडज वाला होता है टेंस चीज़ के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं जैसा कि तुम जानते हो सिंपल प्रजेंट है ये सिंपल पास्ट में चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिंस जोहन वर्क इन ए फैक्ट्री इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इसमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे बनेगा सी सेड दैट जोहन वर्क इन वर्क इन ए फैक्ट्री यानी यहाँ वी वन है वो वी टू में चेंज हो जाता है यानी सिंपल प्रेजेंट है ये सिंपल पास्ट में चेंज होता है अब प्रेजेंट कंटिनूअस कैसे चेंज होता है पास्ट कंटिनस में चेंज होता है जैसे कि राधा सेट टू सरला आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन सेट टू टोल्ड में बदल जाता है राधा टोल्ड सरला दैट सी वाज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन इस प्रकार से प्रजेंट कंटिन्यूस है जो ईजर वाला होता है वो वोज़वर में चेंज हो जाता है अब प्रजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं प्रजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है अरुण सैड आई हैव सीन दाज इसका बनेगा अरुण सेड दैट ही हैड सीन द ताज यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट पर्सन आई ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार जो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट होता है अरुण के अनुसार इसलिए अरुण के अनुसार यहाँ ही बन गया ही हैड सीन द ताज़ वैसे भी मैंने आपको एक टेबल प्रोनाउन चेंज की लिखवाई गई है उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट है प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिनुअस ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिनस में इसका एग्जाम्पल देखिए सरला सेट टू ससी आई हैव बीन वर्किंग हार फॉर ओवर ए मंथ इसमें सेट टू टोल्ड में सरला टोल्ड शशी दैट सी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर ओवर ए मंथ इस प्रकार से हैज है बीन वाला हैड बीन में चेंज होता है ये टेंसीज़ की स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं आपको टेंस अच्छी तरह याद होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा टेंस कैसे चेंज हो रहा है अब पास्ट इंडेफिनेट देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है जैसे एग्जाम्पल देखिए सी सेड ही सेड आवर काउ डाइड लास्ट वीक ही सेड दैट यहां आवर है वो आवर फर्स्ट पर्सन है और ये ही के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ही लेकिन यहाँ पर है इसलिए हम देर यूज करेंगे देर काउ हैड डाइड ला लास्ट वीक बदल गया प्रीवियस वीक में ये टेबल भी हम लिखवा चुके हैं ये एडवर्ब चेंज की बोलते हैं इसको एडवर्ब कैसे चेंज होता है और प्रोनाउन चेंज की टेबल भी आप अच्छी तरह लर्न करें ताकि प्रोनाउन चेंज और एडवर्ब चेंज हम इन सेंटेंसेस में अच्छी तरह कर सकें अब नेक्स्ट आ गया वोज वर हैड बीन में चेंज होता है नेक्स्ट रूल जैसे सी सेड आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड तो ये सी सेड दैट या आई फर्स्ट पर्सन है सी के अनुसार बदलेगा और आई की सीध में आप टेबल से देखते हैं सी का सी है दैट सी हैड वॉजवर हैड बीन में बदलता है जैसा रूल ऊपर लिखवाया गया है दैट सी हैड बीन वॉकिंग इन द फील्ड तो ये चेंज हुआ वाजवर वाला हैड बीन में चेंज होता है तो इस प्रकार से हमने कुछ टेंसिस के चेंज होने की स्टडी की है अब हम इस पे इन पे एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसको सोल्व करना है एक्सरसाइज में देखिए पहला सेंटेंस है ही सेड मनु इज़ वॉकिंग इन द गार्डन मनु इज़ वॉकिंग इन द गार्डन second, his father said, i have seen this man already. third, i said, i have been working in this school for 18 years. he said to me, you played very well yesterday. i said to him, i was doing my duty. six sentences, he said, god is great. द बॉय सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली ही सेड टू मी यू हैव डन वेल एंड नाइन्थ सेंटेंस आई सेड आई हैव बीन इल सीस मंडे इस प्रकार से सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है सभी रूल आपको अच्छी तरह याद करनी है एडवर टेबल और प्रोनाउन टेबल भी उसके साथ और ये अपनी नोटबुक में अच्छी तरह नोट कर लेना थैंक्स